हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टेक आर्ट। तो यार आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का प्रीसेट देने वाला हूँ जिसका नाम है एक्वा एंड ब्राउन टोन इफेक्ट। तो गाइस ये जो ब्राउन टोन इफेक्ट होता है ना, ये सभी को जो है पसंद है और हर कोई चाहता है कि अपनी फोटो के ऊपर ब्राउन टोन वाला इफेक्ट डाले। तो गाइस ये जो प्रीसेट है बहुत ही कमाल का प्रीसेट है। अगर आप मोबाइल से फोटो खींचते हो या फिर DSLR से फोटो खींचते हो, अगर आपकी फोटो की बैकग्राउंड में जो डायनामिक रेंज होता है वो अगर अच्छा आता है तो ये जो प्रीसेट है उस फोटो के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। आप यूज़ करो, यूज़ करके देखो और अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये प्रीसेट कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो और ये प्रीसेट अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपकी लाइक देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा लाइक आता है तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे प्रीसेट आप लोगों को देने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। तो चलो यार वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैंने जो है लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो फोटो और प्रीसेट है वो आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो ऐड करने के बाद आपको ऑल फोटोज़ में आपको आपका फोटो और प्रीसेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऑल फोटोज़ में आप देख सकते हो उसको। तो गाइज यहाँ पर एक प्रीसेट और तीन फोटो मैंने पहले से ऐड करके रखा है। तो सबसे पहले मैं प्रीसेट को ओपन करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्वा एंड ब्राउन टोन लाइट रूम फ्री प्रीसेट। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एकदम फ्री है, जाओ जाके डाउनलोड करो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने ड्राइव लिंक दिया है, तो जाओ डाउनलोड करो, एडिट करो और मुझे इंस्टाग्राम पर हैशटैग ज़रूर कर देना, ठीक है। तो गाइज इसको कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, जाना होगा थ्री डॉट में और यहाँ पर कॉपी सेटिंग्स लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सेटिंग्स है प्रीसेट का वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, किसी भी ऑप्शन में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर टिक के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप टिक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो पूरा का पूरा सेटिंग्स है प्रीसेट का वो कॉपी हो जाएगा। तो उसके बाद हम जाएंगे बैक, उसके बाद यहाँ पर फोटो जो नॉर्मल फोटो है उसी के ऊपर हम जो है अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस फोटो को ओपन करेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपकी फ़ोटो के पीछे डायनेमिक रेंज अगर अच्छा होगा तो ये प्रीसेट आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है, आपकी फ़ोटो के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस फोटो के बैकग्राउंड में डायनेमिक रेंज बहुत ही बढ़िया है, इस फोटो के बैकग्राउंड में भी डायनेमिक रेंज बहुत ही बढ़िया है और जो लास्ट फोटो है इसके बैकग्राउंड में भी डायनेमिक रेंज बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले इस फोटो के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और पेस्ट सेटिंग्स कर देंगे। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसलिए आप लोगों को बता रहा था कि अगर डायनेमिक रेंज अच्छा होगा फोटो का तो फोटो का लुक और भी इन्हेंस हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड का जो कलर है, जो स्काई का कलर है वो चेंज हो चुका है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है एक्वा के साथ ब्राउन टोन, बहुत ही इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही कमाल का है। तो इसको स्वाइप करेंगे और जो नेक्स्ट फोटो है उसको लेके आएंगे और इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जाएंगे सीधा थ्री डॉट के ऊपर और पेस्ट सेटिंग्स। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही कमाल का लग रहा है ये फ़ोटो। तो ये फ़ोटो मैंने जो है मेरा इंस्टाग्राम पे अपडेट किया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाओ जाके देख सकते हो। और मैंने एक नया लोगो बनाया है, तो लोगो भी कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आपको चाहिए लोगो का ट्यूटोरियल तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है लोगो के रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसको भी स्वाइप करते हैं और जो हमारा लास्ट फोटो है इसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे। तो जाएंगे सीधा थ्री डॉट के ऊपर और पेस्ट सेटिंग्स। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही कमाल का लग रहा है, जो बैकग्राउंड में जो पेड़ है जो ग्रीन कलर था वो एकदम ब्राउन हो चुका है, जो हमारा स्किन टोन है वो भी हल्का हल्का सा ब्राउन टोन हो गया है और बहुत ही कमाल का लग रहा है ये फोटो। आप अगर इस प्रीसेट को यूज़ करते हो और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो मुझे हैशटैग ज़रूर कर देना। यहाँ पर आपको मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा TakeArt96। और गाइज कैसा लगा आपको ये प्रीसेट, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और गाइज अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो करो, क्योंकि मैं हफ्ते में दो या फिर तीन नए नए कॉन्सेप्ट का या फिर रिटचिंग का फोटो अपडेट करते रहता हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको भी दबा देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो यार मिलते हैं एक नए और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।